हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एक्वा जॉय। और आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं वाटर का लेवल अप। यानी सर्दियों में क्या होता है, थोड़ा पानी उड़ता है और थोड़ा मतलब अपना हीटर चलता है और थोड़ा टेम्परेचर की वजह से पानी ज़्यादा उड़ता है एज़ कम्पेयर टू समर, ठीक है ना। अच्छा, हमको सिखा दिया है। सर्दियों में थोड़ा पानी ज़्यादा उड़ता है। अब आप देखिए, ये जो पानी है करीब मेरा इतना अप्रॉक्स इवेपोरेट हो गया है। देखिए अभी इसमें हीटर वगैरह चल रहा है 25 से 26 डिग्री, मैंने वैसे 28 सेट कर रखा है, पर 26 डिग्री रहता है वाटर टेम्परेचर। हमारे यहाँ पे ठंड भी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। राजस्थान कहते हैं गर्म है, पर सर्दियाँ वहाँ पर बहुत दबा के पड़ती है। तो आप देख सकते हैं ये निशान जो बन रहे हैं, ये थोड़ा कैल्शियम जम जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो है इसका, इसको साफ करने का ही लेंगे कि एक्वेरियम को कैसे क्लीन किया जाए, तो उस पर भी आपको एक अपडेट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 1.5 इंच इसमें से पानी इवेपोरेट हो गया है। और ये ज़्यादा नहीं, 8 से 10 दिन के अंदर क्या है, ये 8 से 10 दिन के अंदर वाटर इवेपोरेट हो जाता है। यानी मुझे महीने में 3 बार इसको रिफिल करना पड़ता है। यानी अप्रॉक्स इसमें 10 से 20 लीटर्स वाटर मेरे को ऐड करना पड़ता है हर 10 दिन में। तो देखिए आज मैं आपको बताता हूँ। अब ठंड है क्योंकि बाहर का पानी का टेम्परेचर रहता है बहुत कम और अंदर का टेम्परेचर रहता है 26 डिग्री। मेरे एक्वेरियम का 26 डिग्री रखता हूँ मैं, क्योंकि प्लांट्स भी हैं तो ज़्यादा भी नहीं कर सकते और इससे कम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रॉपिकल फिश है। मेरे पास जितनी भी है, प्लेटी है, मॉलीज है, गप्पीज हैं, और शॉर्ट टेल मैं बहुत जल्दी इसमें ऐड करने वाला हूँ, तो उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये मॉली है। और देखिए अब हमको क्या करना है, हमको एक्वेरियम का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर मिलाना है। तो आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हीटर बंद कर दीजिए, सुबह ही बंद कर दीजिए, आप शाम को चलाइए। एक नया मेथड मैं लाया हूँ जो मुझे कहीं यूट्यूब पे मिला नहीं, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम बात कर रहे थे कि कैसे वाटर टेम्परेचर को मैच किया जाए एक्वेरियम के और जो हम एडिशनल वाटर जो डाल रहे हैं बाहर से उसका। देखिए सबसे पहली बात तो जो आप जो नया वाटर डाल रहे हैं वो एटलीस्ट 2 डेज़ पुराना होना चाहिए, 2 दिन पुराना होना चाहिए, 48 घंटे। मैं क्या करता हूँ, जो भी वाटर आता है उसको 2 दिन के लिए डालकर खुले कंटेनर में, यानी जिसका ढक्कन खुला रहे, ऐसा कंटेनर है मेरे पास, अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो में, उसके अंदर डाल के रख देते हैं। उससे क्या होता है, 2 दिन में जितना भी क्लोरीन होता है पानी में वो सब इवेपोरेट हो जाता है या हट जाता है, उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। क्लोरीन हमारे लिए तो ठीक रहता है, पानी में से बैक्टीरिया मारता है, पर वो फिशेज़ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पानी को रख देना है और फ़िल्टर चला देना है, ठीक है। फ़िल्टर हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि थोड़ा फ्लो बन जाए पानी का। तो ठीक है, मैंने 2 दिन से पानी स्टोर करके रख रखा है और उसको कहीं भी आप साइड में रख दीजिए, ज़रूरी नहीं है आप उसको आसमान के नीचे रखें, आप किसी कमरे में भी रख दीजिए, बस 2 दिन तक उसको स्टोर कर लीजिए ताकि उसका पानी में से क्लोरीन सारा उड़ जाए। तो देखिए मेरे पास कुछ इस तरह का है बॉक्स, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए एक इतना बड़ा जार है, इसमें अप्रॉक्स 10 से 15 लीटर पानी आ जाता है, ठीक है। कभी कैलकुलेट करा नहीं मैंने, पर अंदाजन 15 लीटर तो आता ही होगा इसमें पानी। तो अब जब आप इसका देखेंगे टेम्परेचर, तो मैंने एक्वेरियम के टेम्परेचर से पहले ही मैच कर रखा है। वो कैसे, इसको क्या करता हूँ मैं, सुबह के टाइम यानी सुबह 9 से 10 बजे इसको मैं रख देता हूँ सनलाइट में, छत पर रख आता हूँ सुबह 10 बजे। अब क्या होता है, शाम को 5 बजे तक ये धूप में रखा रखा पानी, एक तो क्लोरीन भी उड़ जाता है और साथ के साथ इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई हो जाता है। यानी इसका टेम्परेचर जो है, अभी आप इस वाटर को टच करेंगे तो इसका और एक्वेरियम का टेम्परेचर सेम है। यानी सनलाइट की मदद से अपन क्या करते हैं, जो अपना एडिशनल वाटर जो ऐड कर रहे हैं उसका टेम्परेचर अपन 26 ले आते हैं। उससे क्या होगा, अब आप जब पानी ऐड करेंगे तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक ऐसी टेबल पर रखता हूँ जो वाटर लेवल एक्वेरियम वाटर लेवल से ऊपर हो, साथ ही अपना टॉप फिल्टर चल ही रहा है। ये टॉप फिल्टर भी DIY है, तो बहुत जल्द मैं इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने कैसे बनाया था इसको। इसके अंदर हमने बायोमीटर डाल रखा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और मेरे को तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें, बहुत अच्छा अमेजिंग वर्क कर रहा है ये, ठीक है। हमको क्या करना है, इस पानी को इतनी हाइट पर रखना है कि एक्वेरियम वाटर लेवल से ऊपर हो जाए, ताकि हम इसको बिना किसी मोटर के भी डायरेक्ट अपन पाइप के थ्रू इसको डाल सके। तो देखिए बस मैंने इसको थोड़ा सा मुंह से खींचना है पानी को, वैक्यूम बनाते ही ये पानी आ जाएगा। और पानी को डायरेक्ट एक्वेरियम में नहीं डाल रहा हूँ मैं कहाँ डालता हूँ, ये जो हमारा फ़िल्टर का पानी जो आ रहा है उसके साथ डालता हूँ। देखिए फ़िल्टर का फ्लो तेज है, इस पाइप का फ्लो धीरा है, तो उससे क्या होगा, पानी मिलता रहेगा, पानी का फ्लो तो बना हुआ ही है। इसकी मोटर बिल्कुल अपोजिट साइड है, यानी राइट साइड मोटर है तो लेफ्ट साइड फ़िल्टर है, तो इतना ये फ्लो बन रहा है इसमें,
तो उससे क्या होगा, पानी का टेम्परेचर एकदम नहीं बढ़ता, फिशेज शॉक में नहीं आएगी। और मेरे पास जो फिशेज़ हैं वो सब हार्डी है, इतना स्ट्रेस नहीं होता है उनमें। पर कुछ फिशेज़ होती हैं जो टेम्परेचर की वजह से आपको प्रॉब्लम कर सकती है, बीमार हो जाती हैं, तो उसके लिए थोड़ा स्पेशल ध्यान रखें। उसके लिए भी एक टिप है, देखिए आपने ये जो पानी है ये पूरा कभी भी एक साथ नहीं डालना है। मेरे पास तो क्या मॉलीज हैं, मैं फिर भी आप ये मानिए कि मैं आधे घंटे का गैप दे देता हूँ। आप चाहें तो उसमें 1 से 1.5 घंटे का गैप दे सकते हैं, जिससे वाटर टेम्परेचर सेम रहेगा। ठीक है, तो हम ये इसको कहाँ तक भरते हैं, ये जो ड्रिफ्ट वुड है ये पूरी डूब जाए, इतना मैं पानी भरता हूँ इसमें। ये देखिए ड्रिफ्ट वुड ऊपर से निकल रही है, ये पूरी कवर हो जाए, पूरी पानी में डूब जाए, मैं इतना पानी ही भरता हूँ, एकदम टॉप तक नहीं भरता। भर सकते हैं पर ठीक है, मैंने शुरू से ही नहीं भरा तो मैं अभी कभी नहीं भरता हूँ, और मेरा फिल्टर भी टच हो जाता है तो इसलिए भी नहीं डालता हूँ मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने हाफ जो है, हाफ कंटेनर जो था वो मैंने एक्वेरियम में पानी डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगा, हाफ एन आवर का रेस्ट ले लूँगा। ठीक है, यानी कंटिन्यू एक साथ नहीं डालना है पानी। हमने इसको आधे घंटे का रेस्ट दे दिया, आधे घंटे बाद हम वापस पानी डालेंगे। एक बार आपको थर्मोमीटर भी चेक करा देता हूँ कि हमारा क्या टेम्परेचर है। पहले आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा 26 डिग्री था 80 फ़ारेनहाइट, तो अभी देखिए ये देखिए, ये आधे घंटे बाद की वीडियो है और बिल्कुल हाफ डिग्री चेंज आया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ये 26 डिग्री के 26 डिग्री ही अभी दिखा रहा है। स्टार्टिंग में भी 26 था, अभी भी 26 है। कारण क्या है इसका सेम रहने का, हमने जो बाहर का वाटर टेम्परेचर था वो नेचुरली एक्वेरियम टेम्परेचर के बराबर कर लिया था, तो बस फ्री में मिल रहा है तो फ्री में क्यों नहीं फ़ायदा उठाया जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, आधे घंटे बाद या आपकी कोई अगर सॉफ्ट फिश है जिस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का फ़र्क पड़ता है, तो आप 1 घंटे बाद उसका पानी चेंज कर दीजिए। थर्मोमीटर ज़रूर रखिए, उससे आपको पता रहता है। चलिए, अगर आपके पास टेबल ना हो तो एक जुगाड़ बताता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, ऐसी कोई भी चेयर ले लीजिए या सोफ़ा ले लीजिए, उस पर एक पैर रख के उस पैर के ऊपर मैंने ये रख दिया, और हाइट चाहिए तो मैं उसके और ऊपर रख लेता हूँ। देसी जुगाड़ है, इंडिया का तो नाम ही देसी जुगाड़ है, तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। गजब बेइज्जती है। ठीक है, अब सिंपल आप इसको डाल सकते हैं, ये मेरे फिल्टर के लेवल से भी ऊपर हो गया, प्रेशर बहुत तेज़ आएगा और फटाफट एक्वेरियम फिल भी हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को लगभग मेरे को 1 घंटा लग जाता है, 15 मिनट पहले पानी डालने का, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 15 मिनट दोबारा पानी डालने का। तो देखिए लेवल हो चुका है अब जो वाइट उसमें से कैल्शियम की अपन को लाइन लाइन दिख रही थी वो अब नहीं दिख रही है क्योंकि वो कवर हो गई है। फिर भी अपन को साफ़ करना ही है, और इसको ब्लेड की मदद से साफ़ करते हैं हम, वो बहुत जल्द आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। एक्चुअली ये मैंने नीचे मार्बल चिप्स लगा रखी है तो इसका थोड़ा कैल्शियम निकलता है, ये हार्ड फिश है तो ही लगाइएगा, सॉफ्ट फिश में मार्बल चिप्स काम नहीं करते हैं क्योंकि कैल्शियम छोड़ते हैं और वाटर को हार्ड करते हैं, तो ये मॉलीज गप्पीज प्लेटीज इनके लिए तो चल जाएगा, एंजल फिश या डिस्कस वगैरह उनमें आप यूज़ ना करें, नुकसान कर जाएगा आपकी फ़िश को। ठीक है, तो ये देखिए अब कुछ नज़ारे देख लीजिए हमारे एक्वेरियम के, यहाँ पर प्लेटीज़ हैं और ये फाइट कर रही हैं आपस में, इनको मज़ा आता है, खूब एक दूसरे के पीछे भागती हैं ये, पर एक दूसरे को हार्म नहीं करती है। ठीक है, तो ये देखिए वाटर कितना लेवल अप कर दिया है, अपनी पूरी ड्रिफ्ट वो डूब गई है, और आपको फ़िल्टर का लेवल भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये फ़िल्टर लेवल जो है थोड़ा नीचे रहता है फ़िल्टर से, आप चाहें तो जैसे अभी मैं भी चाहता हूँ तो इसका थोड़ा आउटलेट जो है फ़िल्टर का उसको थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ, तो पानी और भर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये 3 फीट का एक्वेरियम है और मैंने इसको 5 mm ग्लास में ही बना रखा है, इसमें अच्छे से ऊपर लगा रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है एक्वेरियम। तो चलिए एक बार फाइनल लुक देख लेते हैं, ये हमारा ऊपर का ब्रिज, और अब फाइनल एक्वेरियम की बात करें तो ब्रिज के नीचे पानी होना चाहिए तो अपन ने वो ही रख रखा है, और ये देखिए। चलिए तो अपना वीडियो अब एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अमेजिंग ट्रिक है फ्री ऑफ फोकट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।